तो हेलो दोस्तों, मैं इस समय अब तैयार होकर नहा धो के तैयार हो चुका हूँ। अब जा रहा हूँ मैं ड्यूटी के लिए। तो दोस्तों इस समय लाइट भी बंद कट चुका है हमारे रूम का, तो दरवाजे के सामने से मैं शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं इस समय जा रहा हूँ काम करने के लिए। तो मैं इस समय आपके मैं बता दूँ कि मेरे तो दोस्तों जीवन एक बार मिलता है तो कुछ करना चाहिए, वैसे ही ख़राब करना नहीं चाहिए हमें अपना जीवन। अब क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दारू गांजा ऐसे कुछ नशे में धुत होकर के अपना जीवन ख़राब कर लेते हैं, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। जीवन आपका बहुत कीमती होता है, क्योंकि आपका जीवन दूसरों के ऊपर भी निर्भर करता है। जैसे आपके हमारे माता पिता हो चुके हैं और कुछ हमारे परिवार, जो कि हम पर बहुत आस लगा करके रहते हैं कि नहीं कुछ करेगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम गांजा दारू पिएँ और अपने मस्ती में जिए और कुछ कर ना पाएँ, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। तो मेहनत करना चाहिए, तो मेहनत करते रहिए। तो इस समय मैं भी मेहनत करता हूँ। अभी देखो टिफिन ले लिया हूँ और समय समय पे थोड़ा बहुत वीडियो भी बना लेता हूँ, तो यूट्यूब पे भी मेहनत करता हूँ। तो बहुत ख़ास मेहनत नहीं मेरी हो पाती है, क्योंकि इधर थोड़ा सा मुझे ड्यूटी भी देना पड़ता है, तो नाइट में भी आता हूँ, तो नाइट हो जाता है, रात हो जाता है, तो इसके वजह से। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए और कमेंट करना। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अपना जीवन ऐसे ही ख़राब मत करिए, मेहनत करिए, क्योंकि आपका जीवन दूसरे के भी ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि आपके माता पिता आपके ऊपर बहुत ही विश्वास और आस लगा करके ही रहते हैं कि नहीं मेरा बेटा कुछ करेगा, अच्छा करेगा, तो ऐसा नहीं करना। उनके विश्वास को ऐसे ही मत तोड़िए, क्योंकि सब फालतू काम नहीं करिए, और उनके लिए कुछ अच्छा करिए, ताकि आपके ऊपर भी वो गर्व करे कि नहीं हमारा बेटा कुछ करता है। तो दोस्तों मैं भी कुछ कोशिश ही करता हूँ कि अभी गांव छोड़ करके महाराष्ट्र में हूँ और ड्यूटी भी कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत वीडियो भी बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी सक्सेस हो जाता हूँ तो ठीक है, नहीं तो अपना ये तो चल ही रहा है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। तो अभी फ़िलहाल मैं चल रहा हूँ, अब जाऊँगा, क्योंकि आज मुझे लेट हो चुका है खाना बनाने से, और चलता हूँ।